मणिपुर में जो कुछ भी हुआ है उससे पूरा का पूरा राष्ट्र सरमार हुआ है और यहाँ तक कि मणिपुर की घटनाओं को लेकर कठोर से कठोर कार्रवाई किए। नमस्कार, SPN9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। मणिपुर की घटना को लेकर पूरा देश शर्मसार है, पूरे देश की आंखें शर्म से झुक गई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखें नहीं नमुई हैं। भाषण देते हुए तो वो ये कह देते हैं कि मणिपुर की घटना में को लेकर के उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, लेकिन जब उनसे मणिपुर की घटना को लेकर के सवाल किया जाता है तब वो चुप्पी साधते हुए नजर आते हैं। भरी संसद में तमाम विपक्षी पार्टियां जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगती हैं मणिपुर की घटना को लेकर, तब वो चुप्पी साध लेते हैं और उल्टा विपक्षी पार्टियों पर ही हमला बोलने लग जाते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर मणिपुर की घटना को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस पूरे मामले पर कटघरे में खड़ा हो रही है। साफ तौर पर यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मणिपुर को लेकर के बयान सामने आता है। वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि जिस तरीके से मणिपुर की घटना हुई है वो काफी शर्मसार कर देने वाली घटना है और वाकई ये शर्मसार कर देने वाली घटना है और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को वाकई शर्म आनी चाहिए कि उनके शासन में, उनके जिस देश में यहाँ पर जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा यहाँ पर दिया जाता है वो किस कदर यहाँ पर फेल होता हुआ साबित हो रहा है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर अपनी कमियों को छिपाने के लिए तमाम विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोलते हुए नजर आते हैं। वो ये आरोप लगाते हुए नजर आते हैं कि भरी संसद में विपक्षी पार्टियाँ चर्चा नहीं होने देती हैं मणिपुर को लेकर के। वो तो चर्चा करना चाहते हैं लेकिन विपक्षी पार्टियाँ चर्चा नहीं करना चाहती हैं। जिस किस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर हमला बोल रहे हैं सुनिए। मणिपुर में जो कुछ भी हुआ है उससे पूरा का पूरा राष्ट्र सरमार हुआ है और यहाँ तक कि मणिपुर की घटनाओं को लेकर कठोर से कठोर कार्रवाई की। तो सुना आपने यहाँ पर जिस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भरी संसद में अपने भाषण में अपनी गलतियां छुपाने के लिए विपक्षी पार्टियों पर हमला बोल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उस नेता को जब महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनके साथ हैवानियत की जाती है, इस तरीके से यहाँ पर बदसलूकी उनके साथ की जाती है। ऐसे मामले में राजनीति करके इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो क्या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को कोई अपना इस्तीफा यहां पर सौंप देना चाहिए? आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9।